गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू प्रोपोजिशन। सो व्हाट इज प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन फर्स्ट एंड अदर वर्ड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक प्रोपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और अदर वर्ड में, किसी भी सेंटेंस के अदर वर्ड में रिलेशनशिप दिखाता है, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, नाउन और प्रोनाउन या सेंटेंस के अदर वर्ड्स के बीच में। ओके, फॉर एग्जांपल नियर, नियर मीन्स होता है पास। द कैट इज नियर द टेबल, इट मीन्स जो कैट है वो टेबल के पास है। सो नियर इज अ प्रीपोजिशन। अंडर, अंडर मीन्स नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैट है और वो टेबल के नीचे बैठी है तो उसके लिए अंडर का यूज होगा। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे। द कैट इज बिहाइंड द बास्केट, कैट बास्केट के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैट बास्केट के पीछे बैठी है तो उसके लिए बिहाइंड का, या कोई भी पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। अगर टू पर्सन के बीच में है तो बिटवीन, मोर देन टू से ज्यादा है तो अमंग। द डॉग इज सिटिंग बिटवीन टू बास्केट, ओके, जो बॉय है वो टू बास्केट्स के पीछे बीच में बैठा है। इन, इट इज यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस, इनका यूज बिग प्लेसेस में के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसके लिए इनका यूज होगा। एट, इट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, ये छोटे छोटे प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव एट शाना, क्योंकि शाना एक स्मॉल प्लेस है। ओके, बिग सिटीज है तो वहां इनका यूज होगा, अगर स्मॉल प्लेसेस है तो वहां एट का यूज होगा। आई लिव एट शाना, ओके, या कोई विलेज है तो उसमें एट का यूज करेंगे। ऑन मीन्स होता है पर, डॉग इज ऑन द टेबल, डॉग टेबल के ऊपर है, ओके, टेबल पर है। सो नियर मीन्स होता है पास, अंडर का यूज किया जाता है नीचे के लिए, बिहाइंड का यूज किया जाता है पीछे, बिटवीन बीच में, इन इट इज यूज फॉर बिग प्लेसेस, एट इट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, ऑन पर, डॉग इज ऑन द टेबल, डॉग टेबल पर है। दैट वाज द चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।